मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको आलू का अचार बनाना बताती हूँ। तो देखें क्या इसका प्रोसेस है। तो ये है बॉईल किया हुआ आलू और इसको पीसेज में काट दिए हैं। और उसके बाद यहाँ देखें इसका इंग्रेडिएंट्स, ये सरसों पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है, ये नमक है, ये अजवाइन है, और ये रोस्टेड मेथी पाउडर है, ये मिर्चा पाउडर है। अब इन सारी चीज़ों को एक साथ इसमें मिला देंगे। तो सारी चीज़ों को इसमें मिला देना है और इसमें थोड़ा सरसों तेल डाल देना है, मस्टर्ड ऑयल, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और उसके बाद इसको मिक्स करना है, इसको चम्मच से मिक्स कर दें। इसको ऐसे मिक्स कर दें सारे मसालों को और इसको धूप में छोड़ दें एक दिन। ये अचार आप ठंडा के दिन में 4-5 दिन तक खा सकते हैं और गर्मी के दिन में इसको ज़्यादा दिन नहीं चलता है, गर्मी के दिन में इसको 2 दिन तक खा सकते हैं। ये अचार जो है सो टेम्प्रोरी अचार है, इसको हम लोग सौंदा कहते हैं। ये और भी चीज़ों का आप बना सकती हैं, जैसे ये आलू का मैं बनाई हूँ और ये बीन का भी बनता है, सेम का और बैंगन का, बहुत से गोभी का, हर चीज़ का बनता है। और ये आलू का अचार रेडी है, इसको अब आप खा सकते हैं। इसको खा एक दिन धूप में रखने से ये ज़्यादा अच्छा लगेगा खाने में और बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप भी इसको ट्राई करें, बनाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग।